जल्दी चलो, मेरे को ऐसे ना अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, बीमार लग रहा हूँ मैं। इसी पे तो जूम होना चाहिए, तगड़ा वाला जूम होना चाहिए। ऐसे हीरो बन के जाएगा मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ भाई, आप तो आंसू टपका रहे हो। वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम सो चुके हैं, बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है हमारे मोटे का बर्थडे। फिलहाल तो सब सो रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए, 10 बज चुके हैं। हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं यहाँ पर, फिर आप सबको लेके चलते हैं आपको मोटे के पास। अपा नहा धो के हो चुके हैं रेडी। जब भी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ पता नहीं क्यों मेरा केविन बच्चा मेरे पास ही होता है। ओए मेरे केवु, इसका सिर्फ एक ही काम है और वो है एसी के सामने बैठना। तो अपन थोड़ी देर में बस निकल ही रहे हैं वहाँ के लिए, तब तक आपको दिखाते हैं कि बाकी सब जितने भी लोग हैं घर पे वो क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? काम वाली सो रही है और अंकिता वो बैठे हैं जी। अम्मा इधर है। शीरो इधर मुंह कर होंदा सकी नाएंगी पहले बेचारी को। पप्पी दे दी केविन ने रात को। आज के प्लान के बारे में थोड़ा सा बताया जाए प्लीज। बताना, फिर खाना, फिर सोना। बहुत बढ़िया। मैं किस में क्या, मैं केक बनाना अंकिता का जवाब देता मान से का गल कवर। केक बनाने तो मेहनत तो बहुत करती पर स्वाद जमा नहीं होता। की निंदा इस बात में। ओ भाई बहुत टेस्टी होता है। इसको क्या चीज अच्छी लगती है? हाँ भाई, ये लड़का कितना स्मार्ट है ना। पार्टी पे जा रहा है, बर्थडे पार्टी पे। देखिए ऐसे हीरो बन के जाएगा मेरा बच्चा। और इसकी औकात देखो, ये देखो, ये नीचे पीछे से भी फाड़ ले, निक्कर बन के अच्छा लगेगा, है ना। हेलो, क्या कर रहे हो? मेरे को ये बताओ कि मेकअप का क्या करना है? वो देख लेते हैं बाहर से। लाइन में बनाओ ना घर के, बाहर से कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। बस ठीक है, फिर करा लेंगे बाहर से। चल ठीक है, आ रहा हूं। बर्थडे कर लो अपनी बर्थडे। ये देख लो मम्मा क्या कह रहे हैं। बर्थडे कर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी जी। मम्मा मार रहे हैं झाड़ू। हीरो अपने आप चले गए ऊपर। यार कुछ के खाने भी मिल जाएगी तास। चल रहा हूं मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। अब आप मिलते हैं सीधा मोटो के पास। ये मेरे पीछे ना भाग्य बस यार। मिलते हैं ब्रेक के बाद मोटू के साथ। रुक जो भाई, बर्थडे मेरा है कि बर्थडे आपका है? आपको बताओ अब जरा मेकअप कहाँ से करवाना है? जल्दी चलो, मेरे को ऐसे ना अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, बीमार लग रहा हूँ मैं। सैड तो नहीं हो गया ना तू? क्यों? दीदी मम्मा नहीं आई इसलिए। कर नहीं सकते तो फिर उसको सोच के क्या फायदा? बस शाम को चलेंगे उनको मिलने। मैं यही बोल के आया हूँ कि मैं रिद्धि को ले आऊँगा फिर शाम को। रिद्धि के पार्लर में तैयार हो रही है, हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। ये है डीजल, इसका रेट चल रहा है 88 रुपीज। ये है पेट्रोल, इसका चल रहा है 92 रुपीज। पता नहीं मोटी का मेकअप हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, पर फिर भी यार चलते हैं, अपन वापस चलते हैं। तैयार हो क्या? गया और मोटा सेटिस्फाइड नहीं। कैसा तैयार किया आपको आंटी ने? अच्छा मैं उसको तैयार कर देती हूँ। मैं मुंह नहीं धो के आ सकता यार, धो भी सकता हूँ। हाँ जी। अरे भाई अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छे लग रहे, चलो। मेरे को ऐसा हो रहा है केक बहुत प्यारा होना चाहिए।
अगर नहीं हुआ तो वही सबके सामने पिटाई। केक लिया था अपन ने यहाँ से बीके केक से, तो देखते हैं भाई भाई ने कैसा बनाया। ओ यार बन तो गया। केक वाले भैया ने जो बना के हमें दिया ऐसे नहीं बोला था बनाने को, फिर उन्होंने बोला 5 मिनट दे दो, फिर वो 5 मिनट गए लेके, फिर उसके बाद मैंने बोला कुछ और वो कर कुछ और ही लाए, फिर मैंने बोला भैया ये क्या मजाक कर रहे हो, फिर अब वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे को 2 मिनट या 7 मिनट 5 मिनट दे दो, मैं सारी क्रीम उतरवा के दोबारा से लगवा। पहले जो 5 मिनट बोले थे वो 20 से 25 मिनट दे देता। बेचारे का बर्थडे खराब कर दिया मैंने। क्या हो गया? ओ भाई आप तो आंसू टपका रहे हो। वीडियो कॉल में मेरे को नहीं दिखाना। नो कैंडी दीदी मेरे बर्थडे पे आए नहीं है। दीदी ये देख मेरे फेस बिल्कुल लेके कहां जाऊं बता। इसको कवर करवा दे तो मेरे पास। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम जा रहे हैं 34 सेक्टर में द बैक रूम, वहाँ मैं और मोटा थोड़ी देर बैठेंगे और दुख आज सांझे करेंगे। सॉरी मैंने आपका बर्थडे खराब कर दिया, मेरे को माफ कर देना और नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी भी नहीं होगी, है ना मोटे? तो आपको मिलते हैं वहीं पे जाके। यार द बैक रूम कहाँ पे है? उधर है। ठीक है भाई थैंक यू सो मच। यहाँ बैठते हैं, मेरे को ये अच्छा लग रहा था। मेरी शक्ल आ रही है, ऐसा लग रहा है हॉलीवुड फिल्म चल रही है। इसका मूड मैं खराब ही कर रहा हूँ इसके बर्थडे में भाई। ऐसा क्यों नहीं, है ऐसा नहीं। अभी तो ये केक है और इस पे एक सस्पेंस है कि इस पे जो लिखना है वो मैंने खुद से लिखना है। थैंक यू सो मच भैया। मैंने उनको जो रेफरेंस दी दुकान वाले को, वो बोलता है कि हम नहीं लिख पाएंगे इस हैंड राइटिंग में, आपको हम कीप दे देंगे, आप खुद लिख लेना। मैं चलो ठीक है। आप मुझे ये बताओ वो हैंड राइटिंग आप लिख पाओगे? ऐसा बेइज्जती करोगे तो कैसे चलेगा यार। मैंने उनको बोला था क्लाउड्स बनाने हैं, उन्होंने ना पोटी बना दिया उसके ऊपर। आप भी सोच रहे हो ये क्या बना है। बहुत सिंपल है पर बहुत प्यारा है। अच्छा ना लिख पाया तो माफ करना। लिखो 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 चुपचाप। भाई ये लड़की बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, मैंने जो भी लिखा है इसने कुछ भी नहीं देखा उस समय से, है ना? आपने नहीं देखा ना? मैंने आपकी वीडियो भी बनाई है। अब आप देख सकते हो। You are my forever and always. ओए रब्बा। सॉरी केक के लिए। अच्छा। इसी पे तो जूम होना चाहिए, तगड़ा वाला जूम होना चाहिए। अब अच्छा बना दिया। मानते हो फिर कि मैं आर्टिस्ट हूँ? मान गए ना मेरी आर्टिस्टिक नेक्स को जो भी बोलते हो। मट्टा मेरा यार। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। कसम से भाई कितना टेस्टी है। चलो भाई हमारा पिज्जा आ जाए, पिज्जा आ जाए, फिर उसको पिज्जा को खाएं और फिर यहाँ से जल्दी से निकले। भर गया पेट बहुत ज़्यादा। पेट भरने के बाद ऐसा हो रहा है मैं सो जाऊँ, पर लोकेशन देखो बहुत अच्छी है। फोटोज़ लेनी है। फोटोज़ भी लेनी है ना? हाँ सच, फोटोज़ भी लेनी है। फोटोज़ ही तो डालता है इंसान। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए।
चले ऊपर, चलो फिर। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गई, मोटी की मोच पड़ रही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो कैसा लगा आपको? आ दो एक बार प्लीज, सारे आ दो। हमारे साथ कोई भी नहीं आ रहा व्लॉग एंड करने के लिए, तो मिशन व्लॉग का यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं। जितना भी रहेगा देख लेना, बर्थडे हमने अपनी बहुत केक वेक खाना है, एंजॉय करना है, बर्थडे को मजा आया, बस बात खत्म, पैसा वसूल हो गया, यही है हमारा। तो बाय बाय गिली गिली।